हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक अम्ब्रेला कट कुर्ती, जिसे हम ए लाइन कुर्ती भी कहते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने यहाँ 3 मीटर रियॉन का कपड़ा लिया है और इसी में से मैंने आस्तीन का कपड़ा अलग निकाल लिया है। अब हमें कपड़े को 4 फोल्ड में ऐसे लंबाई में फोल्ड करना है। ये 4 भाग में मैंने यहाँ कपड़ा फोल्ड किया है। यहाँ बंद भाग की साइड से हम निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम कंधे का निशान लगाएंगे। कंधे के निशान के लिए हम हमारे शोल्डर को नाप लेंगे और उसका आधा भाग, यानी हमारा शोल्डर 12 इंच के हैं तो हम 6 इंच का निशान लगाएंगे। यहाँ हमारे शोल्डर में 6.5 इंच का निशान लगा रही हूँ। आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ निशान लगाइए। इसके बाद हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। आर्म होल के निशान के लिए हमने जितना कंधे पर निशान लगाया है उससे आधा इंच ज़्यादा लेकर हम आर्म होल पर निशान लगाएंगे। यानी मैंने यहाँ कंधे पर 6.5 इंच का निशान लगाया था तो आर्म होल के लिए मैंने यहाँ 7 इंच पर निशान लगाया है। इसके बाद हम नीचे से भी कंधे के निशान को मेजर कर लेंगे और निशान लगा देंगे और हम कंधे और आर्म होल के निशान को मिला लेंगे। कंधी और आर्म होल का निशान लगाने के बाद हम यहाँ चेस्ट पर निशान लगाएंगे। चेस्ट पर निशान लगाने के लिए हम यहाँ हमारे चेस्ट के मेजरमेंट में हम 2 प्लस करेंगे। यहाँ हमारा चेस्ट है 36 इंच, उसमें हम 2 प्लस करेंगे 38 इंच आ जाएगा। इसके बाद हम चेस्ट का निशान लगाने के लिए चेस्ट का हमारा 4th भाग यानी कि 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे। 9.5 इंच पर मैंने यहाँ निशान लगा लिया है। यहाँ ए लाइन कुर्ती में हमें सिर्फ 2 निशान चाहिए, एक चेस्ट के लिए और दूसरा वेस्ट के लिए। इसके बाद यहाँ सीधी कुर्ती की कटिंग हो जाती है। इसमें हमें कमर और चेस्ट का मेजरमेंट चाहिए। चेस्ट का निशान लगाने के बाद मैं यहाँ पर वेस्ट के लिए निशान लगाऊंगी। वेस्ट के लिए भी हम वेस्ट का जो नाप है उसका 4th भाग में 2 प्लस कर लेंगे। सबसे पहले हम ऊपर कंधी से 14 इंच की लंबाई पर वेस्ट का निशान लगाते हैं। यहाँ वेस्ट पर हमने निशान लगाया है 10.5 इंच पर। यहाँ वेस्ट के 4th पार्ट में हम 2 प्लस कर लेंगे। वैसे ही निशान आपको भी आपके मेजरमेंट के हिसाब से लगाना है। यहाँ हमने 2 निशान लगा लिए। वेस्ट के लिए हमने निशान लगाया है 9.5 इंच पर, सॉरी चेस्ट के लिए 9.5 इंच पर, और वेस्ट के लिए हमने निशान लगाया है 8.5 इंच पर। हम वेस्ट का निशान लगा दें। यहाँ हमने वेस्ट और चेस्ट दोनों का निशान लगा लिया है। हमें ए लाइन कुर्ती के लिए बस इन दोनों ही नाप का मेजरमेंट जरूरी चाहिए। इसके बाद हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। आर्म होल की गोलाई देने के लिए हम 1.5 इंच की आर्म होल की गोलाई देंगे। बाद आधा इंच का मार्जिन लेते हुए मैं यहाँ एक और निशान लगा ली हूँ आर्म होल की गोलाई पर। ये हमारा जो बाहर वाला भाग रहेगा वो बैक साइड के लिए रहेगा और जो आगे वाला आर्म होल का निशान है वो फ्रंट साइड का रहेगा। इसके बाद हम यहाँ जो हमने वेस्ट का निशान लगाया है वो आर्म होल के निशान से इन दोनों निशान को हम मिला लेंगे। यहाँ हमने दोनों निशानों को ऐसे मिला लिया है। इसके बाद हम सूट की मार्जिन के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा पर निशान लगाएंगे। तो इसके बाद हम यहाँ 2 इंच का निशान लगा लेंगे। चेस्ट में भी हम 2 इंच का निशान लगाएंगे और ऐसा ही निशान हम वेस्ट में भी लगाएंगे। यहाँ 2-2 इंच की मार्जिन का ये निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को भी मिला देंगे। यहाँ निशान लगाने के बाद हम चेस्ट से, जो हमारा चेस्ट भाग है वहाँ से ऐसे तिरछी रखते हुए, जितनी हमारी कुर्ती की लंबाई है वहाँ कॉर्नर से वेस्ट तक हम ऐसे तिरछी इंच टेप रख लेंगे और एक निशान लगा देंगे। जितना भी हमें कुर्ती की लंबाई लेनी है उतनी लंबाई लेकर कॉर्नर से हम वेस्ट तक ऐसे इंच टेप तिरछा रखते हुए निशान लगा लेंगे। इस तरह मैंने यहाँ पर कुर्ती के एंड तक निशान लगा लिया है। इसके बाद हम
हमारी कुर्ती की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको जैसे हमने निशान लगाए हैं वैसे ही हम इसको कट कर लेंगे। बस इसी तरह हम इसको कट कर लेंगे। यह ए लाइन कुर्ती की कटिंग हमारी यहाँ पूरी हो चुकी है। यह ए लाइन कुर्ती कटिंग का सबसे सरल और आसान तरीका था। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।